कि हम अहमदाबाद पहुंच गए हैं। यहाँ से भी हम नाश्ते के लिए ब्रेड वगैरह लेने लगे हैं। अभी हमारा 2.5 घंटे का सफर पड़ा। ये हमारे नेवले ने इतनी दूर गाड़ी लगा ली पुलिस वाले से डर के ना। ये अहमदाबाद से ठंडियानी की तरफ जो रोड जा रहा है ये सारा इसी तरह खराब रोड है और ये तकरीबन 2-2.5 घंटे की ड्राइव है। इस तरह ही चढ़ाई हमने करते जाना है और हमने ठंडियानी के टॉप पे पहुँचना है। होली साहब ने सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज हम लोग निकलने लगे ठंडियानी के लिए। अभी तो 4 बजे हैं, हम कोई निकलेंगे तकरीबन शाम 7-8 बजे। तो अकल भाई भी यहाँ पे आ गए हुए हैं, वो भी साथ जाएंगे, मेरे बड़े भाई भी जाएंगे, हसन भी जाएगा और भोली भी जाएगा। हम 5 लोग निकल रहे हैं। अभी तो हम ड्रोन उड़ाने लगे। सारे लोग पीछे परेशान हुए पड़ेंगे, क्या चीज है जो इतनी ऊंची उड़ गई है। ये रीता हेलीपैड बना रही है हमारे ड्रोन के लिए। ये कहीं क्रैश लैंडिंग होगी और एक पंख टूट गया ड्रोन का। ये वो टूटा हुआ पंख है, ये कॉर्नर से ये हल्का सा कट जो लग गया, ये आप देख सकते हैं, ये बेचारा टूट गया। रीता की टीचर आ रही है तो इसे मैं घर छोड़ने जा रहा हूँ। आ जा। रीता स्कूल से छुट्टी की है, ट्यूशन से नहीं करनी? नहीं। ट्यूशन जाना पढ़ना है? हाँ। पसंद है जाना कि नहीं? मुझे नहीं पता। रीता पहुंच गई है घर, अब रीता पढ़ेगी ट्यूशन। चलो निकलो और मैं जाऊंगा वापिस। ये अभी हम अपनी गाड़ी का इंजन ऑयल चेंज करवाने आ गए हैं क्योंकि फिर लंबे रोड पे निकलना है तो इंजन ऑयल चेंज करवाने हैं। और अभी 7 बज चुके हैं, हमारा आइडिया था कि हम 6 बजे निकल जाएंगे लेकिन अभी हमने इंजन ऑयल चेंज करवाना है, इसमें भी टाइम लग जाना है, तो देखते हैं। अभी जितनी मर्जी जल्दी कर लो आप, एंड पे बंदा लेट हो ही जाता है। हम सब रेडी हो गए थे, नहा धो के सब कुछ हो गया हुआ था, गाड़ी में ऑयल भी चेंज करवा लिया था लेकिन शिमरोज भाई को कोई काम पड़ गया तो उस वजह से अब हम ठंडियानी नहीं जा रहे। तो मैं और तोकल भाई फिलहाल लाहौर के लिए निकलने लगे और ये हमारी सारी पैकिंग भी हो चुकी थी, सब रेडी थे हम जाने के लिए, तो अहम मौके पर काम पड़ गया तो उसकी वजह से अब हम ठंडियानी नहीं जा रहे। अभी मैं और तोकल भाई फिर लाहौर निकलने लगे हैं तो ठंडियानी का प्रोग्राम हमारा कैंसिल हो चुका है। ये अभी हमारा दोबारा से ठंडियानी का प्रोग्राम ही बन गया, तो जो भी हुआ था हमारा मसला वगैरह मैनेज हो गया। अभी हम निकलने लगे हैं, हसन भाई का वेट कर रहे हैं, वो आएगा सामने से निकल के और ये हम जाने लगे ठंडियानी के बाद जाके हमने भोली को लेना है। भोली को लेके फिर सीधा हम ठंडियानी की तरफ निकल जाएंगे। नहीं, उससे पहले हमें तालने वाला जाना है, तो अक्कर भाई ने कुछ सामान लेना है, वो लेके फिर हमने जाना है ठंडियानी। ये चूचा भी आ गया, प्रोग्राम कैंसिल हो गया है, कैंसिल हो गया। बोली भी नहीं मान रहा, झूठा बोली कहता, मैंने पता भी नहीं। ये भी हम तांगिया वाला पहुंच गए, यहाँ पे कुछ सामान रखना है हमने और कुछ लेना है, वो लेके फिर हम सीधा ठंडियानी। ये अभी हम निकलने लगे यहाँ से, चले नेवलिया वाड़ जावे। फैसलाबाद पहुंच गए और यहाँ से कुछ खाना है अभी। होली साहब ने सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ। सामने चूचे जितनी सेहत होगी इसकी। तो अकल भाई यहाँ पे सब्जी का ऑर्डर दे रहे हैं, साथ हमने एक पीस लगवाया हुआ है। खुशबू तो बहुत मज़े की आ रही है, धुआं जो है ना ये सारा एक परफ्यूम की तरह मज़े की खुशबू दे रहा है मुझे तो। चेहरे तो हमने बाहर ही लगवा लिए क्योंकि बाहर बैठने का मज़ा है। ये भोली पूरी चटनी को ख़राब करते हुए। यार ये फैसलाबाद से रैंडम जगह से हमने खाना खाया लेकिन बहुत अच्छा है, पीस भी इनका कमाल का और सब्जी भी हमें कमाल की मिल गई हुई है, तो अभी ये खा के हम यहाँ से निकलते हैं आगे। हमने फैसलाबाद से खाना खा लिया, अभी हम चाय पियेंगे उसके बाद हम निकल जाएंगे जी मोटरवे पे ठंडियानी के लिए। अभी हमने यहाँ से चाय पीनी है और कुछ सामान लेना है जैसे कि पानी वगैरह रस्ते के लिए। फैसलाबाद में हम आ गए हुए हैं, फैसलाबाद से तकरीबन 400 किलोमीटर है जो हमारा सफ़र है, वो कहाँ से जाना है कैसे जाना है ये सारा भी मैं रास्ते में बताता जाऊँगा। यहाँ से अभी हमने ये सामान लेना है, अभी पानी शानी यहाँ से हमने कुछ लेस वगैरह ऐसी चीज़ें ले ली हैं और पानी भी ले लिया हुआ है, तो अब हम चलते हैं गाड़ी की तरफ और फिर निकलते हैं। ये रात के 3 बजे का टाइम है और सुनसान रास्ता है, हमारी गाड़ी के अलावा यहाँ कोई गाड़ी नहीं है, तो हम तो बड़ा इस टाइम डर डर के जा रहे हैं। एक दफ़ा अब मेन मोटरवे आ चुके हैं, अब खैर है। ये अभी हम भेरा पहुंच चुके हैं। हसन भाई तो जब से सफ़र स्टार्ट होया पूरे रास्ते सोते ही आ रहे हैं। ये अभी हम भेरा से निकल के आगे जाने लगे हैं। ये कलर कार के पास अब पहुंच चुके हैं, सामने इस्लामाबाद के प्यारे प्यारे पहाड़ हमें नज़र आना शुरू हो चुके हैं। ये अब इस्लामाबाद वाली मोटरवे ख़त्म होगी और आगे पेशावर वाली मोटरवे जो है वो स्टार्ट होने लगी है, तो यहाँ से अहमदाबाद तक हम इस मोटरवे से जाएंगे।
लाहौर से इस्लामाबाद वाली मोटरवे भी इतनी प्यारी नहीं है जितनी ये पेशावर मोटरवे प्यारी है। इसके जो सीनरी है ना साइड्स पे, ये बहुत ही खूबसूरत है। ये पेशावर मोटरवे से हम एबटाबाद की तरफ एग्जिट ले लेंगे, हम एबटाबाद सिटी के अंदर दाखिल हो गए। हम एबटाबाद पहुंच गए हैं, यहाँ से भी हम नाश्ते के लिए ब्रेड वगैरह लेने लगे हैं। अभी हमारा 2.5 घंटे का सफर पड़ा है बिरयानी का। ये हमारे पुलिस साहब को पुलिस वाला तंग कर रहा है शायद, हम सब तो चीज़ें लेने चले गए थे पोली के पास, पुलिस वाला आ गया। ये सर एबटाबाद है, बहुत ही प्यारा शहर है और बहुत ही बड़ा शहर है। मैं तो समझता था एबटाबाद बहुत ही एक छोटा सा सिटी होगा, लेकिन ये तो बहुत डेवलप है। ये हमारे नेवले ने इतनी दूर गाड़ी लगा ली पुलिस वाले से डर के ना, यहाँ पे इसको एक और मेरे ख्याल में गार्ड चिपका हुआ है आगे। पोली तेनू की हर बंदा भजाई जा रहा है तू। यार ये एबटाबाद सिटी में ही हमें एक म्यूजियम नजर आया था, तो हमने कहा चलो इस म्यूजियम को भी देखते चलते हैं। गुजर जो रहे हैं यार, इसकी बिल्डिंग बहुत ही खूबसूरत बनी हुई है, ये शायद अंग्रेजों के जमाने की बहुत ही पुरानी बिल्डिंग है। ये अभी हम एबटाबाद म्यूजियम में आ गए हैं, गुजर रहे थे तो हमने सोचा चलो ये भी देखते चले, तो पता नहीं अभी खुला है कि नहीं खुला, अभी अंदर जाके देखते हैं। ये इसकी एंट्रेंस है। म्यूजियम वगैरह हमने देख लिया हुआ है एबटाबाद में, और अभी हम चलते हैं अपने मुकाम ठंडियानी की तरफ, जो कि यहाँ से तकरीबन अभी 2-2.5 घंटे की ड्राइव और है, तो निकलते हैं। ये अभी हम अपना सिलेंडर लाना भूल गए थे, तो सामने गैस वाली दुकान हमें मिली है, वहाँ से हम सिलेंडर का पता करने जा रहे हैं। $2000 का हमें सिलेंडर मिल गया है, जिसके अंदर हमने 300 की गैस भी लगवा दी। गैस भी डल रही है, उसका वेट कर रहे हैं हम यहाँ पे। नेवला मेरे सामने खड़ा हो गया आगे। ये हमारा सिलेंडर है जो हमने ले लिया हुआ है। चाय वगैरह वाले बर्तन भी हम कोई नहीं लाए जल्दी जल्दी में, तो उसके लिए हम चाय का सामान वगैरह लेना है वो ले रहे हैं। यहाँ से करेंगे जी अभी हम नाश्ता, क्योंकि हमने रात का खाना खाया था तकरीबन 3-4 बजे, और अब नाश्ते का टाइम हो चुका है, तकरीबन 10 बज गए हैं। ये अभी एबटाबाद से जो मेन ठंडियानी टॉप का रास्ता है ना, वो अब स्टार्ट होने लगा है यहाँ से। ये सारा ठंडियानी का रास्ता है, 1 घंटे से हम चढ़ाई कर रहे हैं। क्या कितनी बुलंदी है टोटल? 9000 फुट तक जाना। ये सारा ठंडियानी का रास्ता है, चढ़ाइयाँ बहुत गंदी गंदी, और हमारी गाड़ी भी गर्म हो गई है। यहाँ पे अभी हमने कुछ देर ब्रेक लिया क्योंकि हमारी गाड़ी गर्म हो गई थी, वो भी तब तक ठंडी हो जाएगी, और हम तब तक बैठ के यहाँ पे ना नज़ारों को इंजॉय करते हैं। ये रास्ता है, ये पोर्ट्स की तरफ जाता है, यहाँ पे इनकी ऑनलाइन बुकिंग होती है, ये उन्होंने नंबर इसका दिया हुआ है। लेफ्ट साइड पे पोर्ट्स की तरफ चला जाता है, और ये राइट साइड पे ऊपर हम ठंडियानी टॉप की तरफ चले जाते हैं। ये पोर्ट्स की तरफ जाने का रास्ता बहुत ख़राब है, ये सारा इस तरह से है, यहाँ पर गाड़ियाँ अक्सर फंस जाती हैं, तो हम भी अपनी गाड़ी आगे नहीं लेके जा रहे। पोर्ट से पहले ही एक प्राइवेट होटल आ जाता है, तो हमारी जहाँ पर गाड़ी खड़ी है ये साथ ही हमारा प्राइवेट होटल है, तो हमने अपने प्राइवेट होटल में स्टे करना है। पोर्ट में वैसे आपको जाके दिखाते हैं। अभी हम पोर्ट की तरफ जा रहे थे, लेकिन रास्ता बहुत ख़राब आ गया, गाड़ी हमारी आगे जानी नहीं, तो हम एक दफ़ा पैदल जाके देख लेते हैं कि नीचे क्या हालात हैं। ये देखिए इस तरह का रास्ता है,
तो नीचे एक दफ़ा पैदल जाके हम देख लेते हैं कि पोर्ट्स का व्यू कैसा है, अगर ख़राब भी हुआ तो फिर हम हट्स ले लेंगे। ये है जी कैंपिंग पोर्ट्स, ये वाला रास्ता। ये मेरे सामने पोर्ट्स आ गए हैं, वो सामने ये वाले मतलब जो कैंटीन सी बनी हुई है एक, और साथ ही इसके पोर्ट्स हैं वो भी आपको जाके मैं दिखाता हूँ। ये पोर्ट्स देख के मैं और भोली वापस आ गए, और ये है हमारा होटल जहाँ पे हमने स्टे करना है। ये हम अपने होटल के अंदर आ चुके हैं, गाड़ी हमने अपनी लगा दी है, और अभी हम जाके रूम वगैरह में अपनी चीज़ें वगैरह रख के फ्रेश हो जाते हैं। बाकी यार ये बेस्ट होटल है अगर आपने ठंडियानी में स्टे करना है तो। यहाँ पे इन्होंने ये एक ट्री हाउस भी दिया हुआ है, ये मेरी राइट साइड पे ये ऊपर ये ट्री हाउस भी दिया हुआ है यहाँ पे, और कमाल का व्यू है। आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ, बाकी चीज़ें मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाता हूँ।